हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग बात कर रहे थे केमिकल इक्विलिब्रियम वाले यूनिट के ऊपर। और जहाँ तक मुझे याद पड़ रहा है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हम लोग कंसंट्रेशंस के यूनिट्स और वैल्यूज की बेस पर कुछ केसी की एप्स पढ़ रहे थे। ओके, लेट मी प्रोसीड यू टुवर्ड्स द लेक्चर फॉर टुडे 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 टुडे। आई एम ऑलमोस्ट देयर। जी बिल्कुल, ये सिचुएशन थी हमारे पास जिसमें हम लोगों ने वैल्यूज वगैरह को जो है वो कैलकुलेट किया, किसी के एक्सप्रेशन को हम लोगों ने देखा कि कैसे फाइंड आउट करते हैं। आगे हम लोग अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी के एप्लीकेशंस के हवाले से बात करने लगे। स्टूडेंट्स, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी आप लोगों को पेपर में अगर पूछा जा सकता है तो एप्लीकेशंस के अकॉर्डिंगली पूछा जाएगा, जस्ट लाइक दैट कि इस वक्त सबसे फर्स्ट एप्लीकेशन आप लोगों के सामने डिस्प्ले हो रही है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की, दैट वन इज डायरेक्शन ऑफ द केमिकल रिएक्शन। आप लोग केसी की वैल्यू से रिएक्शन की डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। ये मैंने लास्ट वीडियो में टू बी कंटिन्यू किया था। आप लोग इसी वीडियो को 7 यूनिट की सेकेंड वीडियो के बाद, ये थर्ड वीडियो को सेकेंड वीडियो से आप कनेक्ट करेंगे जो पे टू बी कंटिन्यू आप लोगों को लास्ट वीडियो में डिस्प्ले मिल रहा था। सबसे पहले डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन को मैंने जरा सिंपलीफाई करने की कोशिश की है कि अगर आप भाई से एक सर्वेंट या माली को भी उठाकर बिठा देते हैं, उसको भी समझाना शुरू कर देते हैं, तो उसको भी अगर थर्ड या फोर्थ क्लास में की एबीसी या काउंटिंग या मैथमेटिक्स आता है तो आप लोग उसको भी बहुत अच्छे तरीके से ये इनिशिएटर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली भी बात समझा सकते हो। अभी इस वक्त मैं आप लोगों के साथ डायरेक्शन ऑफ द केमिकल रिएक्शन फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिस्कस करने जा रहा हूं। बेटे ये एक जनरल सा रिएक्शन आप लोगों के सामने इस वक्त मौजूद है जो केसी में आप लोग जानते हैं प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंगली होता है। यहाँ पे मुझे इसको कैपिटल डी करना पड़ेगा। स्टूडेंट्स, ये बात आप जहन में रख लीजिएगा कि एक हम लोग टर्म पढ़ते हैं केसी, जो कि प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन होती है एट इक्विलिब्रियम पोजिशन। तो इक्विलिब्रियम पोजिशन पर रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन की रेशियो का नाम है, प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट कंसेंट्रेशन की रेशियो का नाम है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी। बट क्यूसी क्या है? क्यूसी इज ऑल्सो ए कंसेंट्रेशन रेशियो ऑफ प्रोडक्ट्स एंड रिएक्टेंट्स, बट एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट, किसी भी सर्टेन इंस्टेंट ऑफ टाइम पर प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन की रेशियो को आप लोग रिएक्शन कोशन का नाम देखो, जिसको मैं क्यूसी के साथ रिप्रेजेंट कर रहा हूं। एफएससी के अंदर इसको प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स की रेशियो के अकॉर्डिंगली एक्सप्लेन किया गया है, और छोटी क्लासेस और ए लेवल्स के अंदर इस चीज को जो है वो अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन क्वेश्चन क्यूसी नेम से जो है वो बकायदा तौर पर डिस्कस किया गया। पॉइंट नंबर वन को एक्सप्लेन करने से पहले जरा देखिए, ये रिएक्टेंट्स, ये प्रोडक्ट्स, ये आप लोगों के पास मैंने इस वक्त रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन फिक्स कर दी, यानी कि कांस्टेंट कर दी, क्योंकि अब जो टाइम है इस रिएक्शन का वो इक्विलिब्रियम आ चुका है, इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो चुका है। तो इक्विलिब्रियम पर जो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की रेशियो है उसको मैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी का नाम दे रहा हूं। अब जरा थोड़ी सी वेरिएशन लेकर आते हैं। एक रिएक्शन है जिसकी ये बेटे वैल्यू आप लोग जहन में रख लो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वैल्यू है और ये फिक्स वैल्यू है रिएक्शन में। इसी वैल्यू को अटेन करने के बाद अपने आप को कंप्लीट कंसिडर करना है। जब तक ये वैल्यू अटेन नहीं होगी, रिएक्शन कंप्लीट कंसिडर नहीं किया जाएगा। क्वेश्चन क्या आएगा पेपर में? आपसे कहेगा क्यूसी इज लेस देन केसी, वेयर द रिएक्शन विल प्रोसीड। आप लोग खुद फैसला करें। यहां पर यही सूरत हो सकती है कि आप लोग देखिएगा कि ये मेरे पास इस वक्त रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन 3 है, ये इस वक्त प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन 3 है। ये रिएक्शन एक ऐसी कंडीशन पर है जब रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन ऑलमोस्ट इक्वल है। आप लोग इधर 3/3 के अकॉर्डिंगली बेटे अगर कैलकुलेट करते हो तो ये जो क्यूसी है इसका आंसर क्या आ रहा है? 1। केसी की वैल्यू अगर आप लोग देखें यहां पर इस रिएक्शन के लिए 4/2 के अकॉर्डिंगली, तो वो है स्टूडेंट्स 2। तो केसी की वैल्यू 2 है जो अटेन करने के बाद रिएक्शन कंप्लीट होगा, और क्यूसी की वैल्यू अगर मैं केस नंबर 1 के अकॉर्डिंगली आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूं तो 3 रिएक्टेंट्स एंड 3 ही प्रोडक्ट्स है, 3/3, इट विल गिव यू 1 वैल्यू। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि यहां पर केसी इज ग्रेटर देन क्यूसी। सो स्टूडेंट्स, ये मैंने क्यूसी कैलकुलेट किया इस कंडीशन के लिए।
क्यूसी इज लेस देन केसी या केसी इज ग्रेटर देन क्यूसी, ये सेम सिचुएशन है जो इस वक्त केस नंबर वन पर आप लोगों को यहां इस वक्त नजर आ रही है। आप मुझे बताइएगा, इसके अकॉर्डिंगली देखें तो आप लोगों के पास प्रोडक्ट्स अभी लेस हैं और रिएक्टेंट्स क्या हैं मोर। खुद फैसला करें, अगर प्रोडक्ट्स जितने रिक्वायर्ड हैं उतने नहीं बने और रिएक्टेंट्स जितने चाहिए हैं उससे ज्यादा पड़े होते हो, वेयर द रिएक्शन विल प्रोसीड्स। ऑफ कोर्स रिएक्शन विल प्रोसीड इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन टू अटेन द इक्विलिब्रियम पोजिशन। तो याद रख ले, इफ केसी इज ग्रेटर देन क्यूसी, यानी कि अभी वो केसी वैल्यू अटेन नहीं हुई, रिएक्शन वो केसी वैल्यू अटेन करने के लिए खुद को फॉरवर्ड प्रोसीड करवाएगा, तो इस केस पे पर्टिकुलरली रिएक्शन की डायरेक्शन स्टूडेंट्स क्या होगी, फॉरवर्ड होगी। सो अगर आप लोग मेरे पास इस केस नंबर टू को डिस्कस करना चाह रहे हो तो आइए जरा केस नंबर टू को डिस्कस कर दें। ये ग्रीन कलर के साथ आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है बेटा। इस वक्त यहाँ पे मैंने रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन आप लोगों के पास वन ली, प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन फोर ली। आप लोग यहाँ पे क्यूसी फाइंड आउट करते हैं तो फोर ओवर वन इट विल गिव यू वैल्यू फोर। तो ये फोर वैल्यू केसी की वैल्यू से बियॉन्ड होगी, ज्यादा होगी, बड़ी होगी। सो मुझे कह देना चाहिए यहाँ पे क्यूसी इज ग्रेटर देन केसी। जब क्यूसी ग्रेटर देन केसी तो इट मीन दैट आपके पास मोर प्रोडक्ट्स एंड लेस रिएक्टेंट्स एज कंपेयर टू द इक्विलिब्रियम वैल्यू। तो अब आप लोगों का क्या फैसला होगा कि अब रिएक्शन अपने आप को रिवर्स करना है, बैकवर्ड लेकर आना है, और रिएक्शन अपने आप को बैकवर्ड लाने के बाद अगेन फोर एंड टू कंसेंट्रेशन अटेन करके इक्विलिब्रियम पोजीशन में आ जाएगा। तो फिर क्या बात है करें बेटे, अगर क्यूसी आप कैलकुलेट करते हुए आप लोगों के पास टू और फोर वैल्यू आ रही है जो कि एक्चुअली केसी की वैल्यू, तो रिएक्शन ऑफकोर्स इक्विलिब्रियम स्टेट पर होगा, ये कंप्लीट कंसिडर किया जाएगा। सो रिएक्शन ने अपनी डायरेक्शन बतानी है अकॉर्डिंग टू द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट्स एंड रिएक्टेंट कंसेंट्रेशन। अगर इक्विलिब्रियम वैल्यू के निस्बत प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन लेस है तो रिएक्शन अपने आपको फॉरवर्ड कर लेगा, और अगर प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन ज्यादा हो गया तो रिएक्शन अपनी डायरेक्शन किधर कर लेनी है, बैकवर्ड कर लेनी है। ओके गाइस, नाउ आई एम ऑफकोर्स ही मैं आपको बात समझाने में कामयाब हो गया हूँ। ये बात बहुत सिंपल है जो आप लोगों को इस वक्त समझाने की कोशिश की है। इन तीनों केसेस को ध्यान में रखिएगा, ये थर्ड केस था जो आप लोगों के सामने यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा था। नेक्स्ट मैं बढ़ रहा हूँ एक्सटेंट ऑफ द केमिकल रिएक्शन की तरफ। ये भी बहुत एक आसान सी चीज है। अगर किसी भी रिएक्शन के लिए केसी की वैल्यू वेरी लार्ज है, क्या मतलब होगा इसका, बहुत ज्यादा प्रोडक्ट फॉरवर्ड रिएक्शन कंप्लीट हुआ है, नियरली गोइंग टू बी कंप्लीशन, और ये इस चीज की इंडिकेशन है कि इस रिएक्शन में आपको मैक्सिमम प्रोडक्ट्स मिल रही है और मिनिमम रिएक्टेंट्स मिल रहे हैं, तो स्टूडेंट देखिएगा इस एक्सप्रेशन में आपको केसी की वैल्यू 10^55 मिल रही है, इसमें 2 × 10^142 मिल रही है। आपको बार दफा सीधी सीधी वैल्यू देकर भी पूछ सकता है कि कौन सा रिएक्शन अप्रॉक्सिमेटली कंप्लीट है फॉरवर्ड के हवाले से देखा जाए या प्रोडक्ट के हवाले से देखा जाए। सो बेटा ये आप लोगों के पास इस वक्त डिसोसिएशन ऑफ ओजोन इनटू ऑक्सीजन है, तो आप लोग अगर इसका केसी वैल्यू देखते हो तो इट मीन्स दैट कह सकते हैं रिएक्शन फॉरवर्ड कंडीशन में प्रेफर करेगा खुद को ज्यादा, तो आपको ज्यादा कंसेंट्रेशन यहाँ पे ऑक्सीजन की मिलेगी, कम कंसेंट्रेशन आप लोगों को ओजोन की मिलेगी, इनके प्रोडक्ट कंसेंट्रेशन आर हायर, मच हायर एज कम्पेयर टू द रिएक्टेंट कंसेंट्रेशन। तो ये आप लोगों को बता रहा है कि रिएक्शन फॉरवर्ड ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाए। इसको ऑपोजिट कर देते हैं, इफ द वैल्यू ऑफ केसी स्मॉल, वेरी स्मॉल नहीं कह रहा, स्मॉल, इट रिफ्लेक्ट्स दैट द रिएक्शन डज नॉट प्रोसीड एप्रिशिएबली इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स नियरली क्या है, सेम है इक्विलिब्रियम पोजीशन पर। ये पीछे मैं ग्राफ के साथ भी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं, मैं यहां पर भी वो ग्राफ दोबारा से बना देता हूं। ये आप लोगों के पास रिएक्शन है और इसमें प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन अप्रोक्सीमेटली सेम है, तो केसी की वैल्यू ना तो बहुत लार्ज होगी ना बहुत स्मॉल होगी, एक मीडियम बेस वैल्यू होगी जो 25 डिग्री सेल्सियस पर इस वक्त वैल्यू 4 आपको मिल रही है एस्टरीफिकेशन रिएक्शन की। आइए जरा नेक्स्ट करते हैं। केसी वैल्यू इज वेरी स्मॉल, इट मींस दैट हार्डली प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड, वेरी हाई कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स इज स्टिल देयर व्हिच नीड टू बी कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। सो यहां पर कह देना चाहिए कि प्रोडक्ट्स आर इन वेरी लो कंसेंट्रेशन एज कम्पेयर टू रिएक्टेंट्स, तो आप देखिएगा यहाँ पे एच एफ की कंसेंट्रेशन ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन एंड फ्लोरिन, यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की कंसेंट्रेशन ज्यादा होगी, यहाँ पे ऑक्सीजन ही नाइट्रोजन होगा, इसी के अकॉर्डिंगली इसको चेंज कर लीजिएगा H2+N2 2NO, तो उसके अकॉर्डिंगली बेटा ये वैल्यू आपके सामने मैं एक्सप्लेन कर रहा था। सो काइंडली आप लोगों ने देखना है कि अगर केसी की वैल्यू आपको बहुत स्मॉल मिल रही है तो यू कैन से कि रिएक्शन एप्रिशिएबली फॉरवर्ड नहीं किया, रिएक्टेंट्स एज सच उसी तरह हाई कंसेंट्रेशन में मौजूद है एज कंपेयर टू द प्रोडक्ट्स, तो फिर क्या बात है करें,
केसी वैल्यू वेरी लार्ज मीन रिएक्शन ऑल फॉरवर्ड ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया, केसी वैल्यू वेरी स्मॉल मीन रिएक्शन रिवर्स, मैं इस वक्त कंडीशन में घूम फिर रहा है, यानी कि मुझे ये कह देना चाहिए कि प्रोडक्ट्स इतने ज्यादा नहीं बने, प्रोडक्ट्स आर स्टिल येट इन वेरी लो कंसंट्रेशन एज कम्पेयर टू द रिएक्टेंट्स। तो ऑफ कोर्स तीसरा केस ही होगा कि प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट कंसंट्रेशन इक्वल है। क्यों ना इसको ग्राफ के साथ आपको एक्सप्लेन करो, देखें ग्राफ क्वेश्चन में क्या कहेगा। ये आप लोगों के सामने आप कुछ ग्राफ ड्रॉ करो, ये ग्राफ बेटे मैं आपको पहले से बता चुका हूँ, सो आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन देम इन एज मच डिटेल एज आई हैव प्रीवियसली डिस्कस्ड देम। ओके ओके, चेंज मी, लेट मी चेंज द कलर कलर कलर, यस। अब आप लोग मुझे बताइएगा फर्स्ट केस के लिए क्या ये ग्राफ सूट कर रहा है, सर ऑफ कोर्स ये ग्राफ सूट कर रहा है, हाउ दिस ग्राफ इज सूटिंग इट। देखिए बेटे ये रिएक्टेंट्स ये प्रोडक्ट्स, ठीक हो गया जी। अब जरा आपने कोरिलेट करना है, मैं डिफरेंट ग्राफ्स आपके सामने बना रहा हूं, कौन सा करेक्टली इसको जस्टिफाई कर रहा है। फैसला अब तुम लोगों का, वॉट यू आर गोइंग टू डिसाइड नाउ। मैं रिएक्टर्स और प्रोडक्ट्स कंसेंट्रेशन लिख देता हूं ताकि तुम लोग मुझे ब्लेम ना करो कि सर आप दरमियान में बोल पड़ते हैं, हमें सोचने का मौका दिया करें। सोचे इसमें से कौन सा ग्राफ मैंने केस के अकॉर्डिंगली करेक्ट लिखा है, जब केसी वैल्यू वेरी लार्ज है इसका मतलब क्या है, प्रोडक्ट्स ज्यादा है रिएक्टेंट्स के है कम, जब केसी की वैल्यू स्मॉल है तो इट मींस दैट कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स आर नियरली ऑफ इक्वल कंसंट्रेशन, और अगर वेरी स्मॉल वैल्यू आ रही इट मींस दैट रिएक्टेंट्स आर हाई एज कंपेयर्ड टू द प्रोडक्ट्स। तो मैंने थोड़ा सा डॉज दिया तुम लोगों को, ये इस वक्त ग्राफ नंबर ए के लिए स्टेटमेंट सूट कर रही है कि रिएक्टर्स आर हायर एज कंपेयर टू द प्रोडक्ट्स एट इक्विलिब्रियम पोजीशन। ये मैंने बिल्कुल करेक्ट लिखी है कि रिएक्टर्स एंड प्रोडक्ट कंसंट्रेशन आर अप्रोक्सीमेटली इक्वल एट इक्विलिब्रियम पोजीशन। और ये जो हम लोगों के पास ग्राफ ए है ये थर्ड कॉलम के साथ मैच कर रहा होगा, ये जो ग्राफ बी है ये बिल्कुल ठीक सेकेंड कॉलम सेकेंड रो के साथ मैच कर रहा है, और दिस वन द ग्राफ नंबर सी इज डेफिनेटली फॉर द केस नंबर वन। तो बेटा समझ आ जानी चाहिए आप लोगों को, हाई रिएक्टेंट्स लो प्रोडक्ट्स केसी वैल्यू स्मॉल, इक्वल रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स केसी वैल्यू स्मॉल, यहाँ पे वेरी स्मॉल हो जाएगी, और आप कह सकते हैं कि अगर प्रोडक्ट्स आर हायर एज कम्पेयर टू द रिएक्टेंट्स तो केसी वैल्यू इज वेरी लार्ज। तो बेटा मेरे ख्याल में मुझे इसको भी आप लोगों के साथ ओके करते हुए आगे लीस्ट शेड्यूल प्रिंसिपल की तरफ बढ़ना चाहिए। आप लोगों को ये प्रैक्टिस में एमसीक्यूज में दोबारा से चीजें बेटा मैं एक्सप्लेन करने जाऊंगा, यार बताओ इस रिएक्शन की डायरेक्शन क्या है, ये रिएक्शन किस हद तक किस एक्सटेंड तक कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ। अब आप लोग देखिएगा ली शेटलर प्रिंसिपल को मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। ली शेटलर प्रिंसिपल वही चीज एक्सप्लेन करता हूं जो अभी हम थोड़ी देर पहले जस्ट एक्सप्लेन कर रहे हैं। इफ स्ट्रेस इज अप्लाइड ऑन अ सिस्टम एट इक्विलिब्रियम, स्ट्रेस मीन्स कोई भी चेंज इन द कंसंट्रेशन प्रेशर एंड वॉल्यूम एट इक्विलिब्रियम पोजीशन किया जाए, द सिस्टम विल एक्ट इन सच अ वे दैट to nullify the effect of that change or stress as much as possible. When a chemical reaction at equilibrium position is disturbed by any factor like concentration, pressure, temperature change, the reaction will definitely try to minimize the effect of that change. और आपको पता है ये Lee Shetler principle based करता है Newton's के third law. Newton's third law. There is action for every action. तो न्यूटन का थर्ड लॉ कहते हैं अगर आप किसी एक को एक चपेट लगाएंगे तो आपको जवाब में दो चपेट लगाएगा, नहीं उसके लॉ के मुताबिक एक ही चपेट लगेगी, लेकिन बेटा आपको पता है कितनी लगनी है चपेटें। तो याद रखें कि ली शेटलर प्रिंसिपल ये कहता है इफ ए केमिकल रिएक्शन इज डिस्टर्ब बाय एनी स्ट्रेस और एनी टेंशन लाइक कंसंट्रेशन प्रेशर चेंज द रिएक्शन विल ट्राई इट्स अटमोस्ट टू मिनिमाइज इफेक्ट ऑफ दैट चेंज, इसको ली शेटलर प्रिंसिपल कहते हैं। आइए जरा इसको जरा डिटेल में लेकर के जाता हूं, इसमें कुछ इफेक्ट्स होंगे जो पेपर में आपसे पूछे जाएंगे लाइक इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन। अब आप लोगों को मुझे समझाना कुछ मुश्किल नहीं रहा। यस अगर मैं आपसे ये कहता हूं यार
कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स को इंक्रीज कर दीजिए, आप कहेंगे सर रिएक्शन फॉरवर्ड, कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिक्रीज कर दीजिए, रिएक्शन फॉरवर्ड, या रिएक्शन आप लोगों को ये पूछ सकता है कि इक्विलिब्रियम खुद को किधर शिफ्ट करेगा, रिएक्टेंट इंक्रीज करने पर, प्रोडक्ट डिक्रीज करने पर, ऑफ कोर्स बेटा इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टुवर्ड्स राइट साइड, ये भी पेपर में पूछा जा सकता है क्योंकि प्रोडक्ट हमेशा राइट साइड पर मौजूद होती है, और बाय रिमूविंग सम ऑफ इट द इक्विलिब्रियम डिस्प्ले टू द राइट एंड मोर प्रोडक्ट्स विल ऑब्टेन्ड, इंक्रीज इन द कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और रिड्यूस द कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, आप लोगों को रिएक्शन की डायरेक्शन किधर देगी, फॉरवर्ड देगी, प्रोडक्ट घटाते जाएं, रिएक्टेंट्स बढ़ाते जाएं, रिएक्शन फॉरवर्ड चलता चला जाएगा, ऑपोजिट करो डिक्रीज कर दे कंसेंट्रेशन रिएक्टेंट्स की और इंक्रीज कर दे प्रोडक्ट्स की, सीधी सीधी सी बात है आपका रिएक्शन इस वक्त किस डायरेक्शन में जा रहा होगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहा होगा। सो क्या बात है करें हम लोग कि अगर आप रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन को बढ़ाकर प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन को कम करोगे तो तुम्हें रिएक्शन फॉरवर्ड जाता हुआ दिखाई देगा, और अगर आप रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन को कम करके प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन को इंक्रीज कर रहे होगे तो तुम्हारा रिएक्शन ऑफकोर्स बैकवर्ड जा रहा होगा। तो बेटा ये बात तय होगी इफेक्ट ऑफ कंसेंट्रेशन के अकॉर्डिंगली। इफेक्ट ऑफ कंसेंट्रेशन को अगर मैं समराइज करता हूं तो बेटा एक रिएक्शन हम सिंपल सा लिख रहे हैं, ए एंड बी आर द रिएक्टेंट्स, सी एंड डी आर द प्रोडक्ट्स। अब आप लोगों को पेपर में यही एमसीक्यूज की शक्ल में दिया जाएगा, इंक्रीज करने पर ए और बी इक्विलिब्रियम की शिफ्टिंग किधर होगी, तो आपका आंसर राइट साइड पर होगा, डिक्रीज कंसेंट्रेशन करने पर ए और बी, तो आपका इक्विलिब्रियम लेफ्ट साइड पर शिफ्ट होगा, इंक्रीज इन द कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स यानी कि सी और डी करने पर आपका इक्विलिब्रियम अगेन लेफ्ट साइड यानी कि रिएक्टेंट साइड पर जाएगा, और डिक्रीज इन द कंसेंट्रेशन ऑफ सी एंड डी करने पर आपका अगेन इक्विलिब्रियम राइट साइड पर जाएगा। सो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको माइंड में रखिएगा, चेंज इन द कंसेंट्रेशन हैज नो इफेक्ट ऑन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। मैं पहले भी बता चुका हूं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जस्ट डिपेंड्स अपॉन द टेंपरेचर, कंसेंट्रेशन वगैरह या प्रेशर वगैरह का इफेक्ट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को चेंज नहीं कर सकता। आगे मैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर को बताऊं, यार आसान ना कर दे इफेक्ट ऑफ प्रेशर में। आप लोगों को पता है यार कि जब रिएक्टर्स ने रिएक्ट करना तो एज ए रिजल्ट ऑफ कोलाइजंस करना है, प्रोडक्ट्स ने जब रिएक्ट करना तो भी कोलाइजंस के रिजल्ट में करना है। रिएक्टर्स व्हेन कोलाइड एंड विल शो सम सॉर्ट ऑफ इफेक्टिव कोलाइजन, रिएक्टर्स विल बी कन्वर्टेड टू द प्रोडक्ट्स, और अगर प्रोडक्ट्स में इफेक्टिव कोलाइजंस होंगे तो प्रोडक्ट्स वापस रिएक्टर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये कोलाइजंस बेसिकली डिसाइड करते हैं कि रिएक्शन की डायरेक्शन क्या होगी। कोलाइजंस वहां पर ज्यादा होते हैं जहां पर रश ज्यादा होता है, जहां पर कंसेंट्रेशन ज्यादा होती है, जहां पर तादाद ज्यादा होती है। तो क्या बात बताना चाह रहा हूं मैं आप लोगों को, मैं आपको ये बात बताना चाह रहा हूं कि अगर रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स किसी दोनों में से एक के मोल्स ज्यादा होंगे, मॉलिक्यूल्स ज्यादा होंगे, कंसेंट्रेशन ज्यादा होगी, प्रेशर बढ़ाने पर उन्हीं के कोलाइजन ज्यादा होंगे, उन्हीं ने ज्यादा रिएक्ट करना है और उसी हिसाब से रिएक्शन अपने डायरेक्शन को भी एडजस्ट करेगा। यानी कि मैं ये कहना चाहता हूं कि प्रेशर बढ़ाने पर रिएक्शन ने हमेशा ग्रेटर मोल्स से लेसर मोल्स की तरफ अपने आप को शिफ्ट करना है रिएक्शन को अकॉर्डिंगली। यानी कि इफेक्ट ऑफ प्रेशर और वॉल्यूम चेंज देखना हो तो आप लोग एक दूसरे के साथ रिलेट करके चेक कर सकते हैं। स्टूडेंट्स अगर मैं ये कहता हूं कि प्रोडक्ट मोल्स आर लेसर देन रिएक्टेंट्स, तो अब आप लोगों का फैसला होना चाहिए कि प्रेशर इंक्रीज करने पर रिएक्शन किधर जा रहा होगा, बैकवर्ड जा रहा होगा या फॉरवर्ड जा रहा होगा, उसी चीज को आप लोग देखेंगे। और आप मुझे बताएं यहां पर इस केस में बेटे रिएक्टेंट के मोल ज्यादा है, प्रेशर इंक्रीज करे, प्रेशर इंक्रीज करने पर रिएक्शन की डायरेक्शन ऑफ कोर्स ग्रेटर से लेसर की तरफ यानी के फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, प्रोडक्ट्स जो आपके प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो रहे होंगे। बट इन दिस केस प्रोडक्ट्स आर ग्रेटर मोल ऑफ कोर्स और रिएक्टेंट्स, अगर आप इस केस में बेटे प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो यहां पर्टिकुलर केस में आपका रिएक्शन अब प्रोडक्ट वाली साइड से रिएक्टेंट वाली साइड पर शिफ्ट होगी यानी कि बैकवर्ड जा रहा होगा, और अगर प्रेशर आप लोग डिक्रीज करते हैं तो इसका वाइस वर्सा होता चला जाएगा। ये बेटा आप लोगों ने अब आइडिया अपना क्लियर कर लेना है, और अगर मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स इक्वल हो तो नो सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑफ प्रेशर चेंज, प्रेशर के चेंज का कोई सिग्निफिकेंट इफेक्ट नहीं होगा, नो सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑफ प्रेशर चेंज। सो क्या तय किया हम लोगों ने, हम लोगों ने यह तय किया कि अगर आप लोगों के पास रिएक्टर्स या प्रोडक्ट्स दोनों में से किसी के मोल्स भी ग्रेटर होते हैं तो रिएक्शन अपने आप को उसी हिसाब से एडजस्ट करता है डायरेक्शन को। आइए जरा इस चीज की प्रैक्टिस करने के लिए, इस चीज को समराइज करने के लिए नेक्स्ट वीडियो में इस बात को लेकर के जा रहा हूं, तो काइंडली वॉच नेक्स्ट वीडियो फॉर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस कॉन्सेप्ट। थैंक यू सो मच।